पानीपत के गांव ऊझा के सरकारी स्कूल का एक वीडियो इन दिनों वायरल हो रहा है, जिसमें स्कूल के बच्चों द्वारा काम करवाया जा रहा है। बच्चों से बर्तन साफ करवाए जा रहे हैं, वहीं तपती हुई गर्मी में रोटियां बनवाई जा रही हैं। स्कूल की छात्राओं से काम करवाया जा रहा है। सरेआम शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हालांकि स्कूल को खाना बनाने के लिए 5 वर्कर मिली हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी स्कूल की छात्राओं से काम करवाया जा रहा है। सरकारी स्कूल की यह बड़ी लापरवाही सामने आई है। इससे पहले भी शिक्षा विभाग अपनी लापरवाही के चलते चर्चाओं में रहा है। इस मामले में जब जिला शिक्षा मौलिक अधिकारी से बात की गई, तो उनका कहना था कि बच्चों से किसी भी प्रकार का कार्य नहीं करवाया जा सकता है, यह साफ तौर पर गलत है। और उन्होंने बापोली खंड के बीईओ को जांच के आदेश दे दिए हैं कि जो भी इस मामले में दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। भाई ये काम बिल्कुल निंदनीय है और मैंने उस बीओ साहब को, बीओ बापोली को जांच करने के लिए कह दिया है और अभी जो है वो वहाँ गए हुए रास्ते में है और उस बारे में पूरा कड़ा एक्शन लिया जाएगा।